हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इस दमंगन में आप लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ बालोद। आज बालोद सिटी दिखलाने वाला हूँ और बालोद में बहुत सारे ऐसे पिकनिक स्पॉट है उसको भी मैं आप लोग को दिखलाने वाला हूँ। वैसे पिछले वीडियो में आप लोग को मैं दिखलाया था भोला पठार है और सिया देवी माता मंदिर और झरना भी आप लोग को मैं दिखलाया था, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए आज मैं आप लोग को लेके चलता हूँ बालोद। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को मैं लेकर चलता हूँ बालोद सिटी दिखलाने के लिए। अभी मैं निकल रहा हूँ सिया देवी माता मंदिर से। अभी दोपहर के लगभग 2:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं आप लोग को बालोद लेकर जा रहा हूँ। बालोद सिटी भी आप लोग को दिखलाने वाला हूँ कि बालोद में क्या क्या है। आज मार्केट ओपन है कि नहीं है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन अनलॉक ऐसा चल ही रहा है। और जब हम लोग वहाँ से निकले झलमला से, तो कुछ भाइयों ने बतलाया कि आज तो गंगा मैया माता मंदिर है तो वो बंद है। तो बालोद का पता नहीं, बालोद सिटी आज ओपन है कि नहीं है, मैंने भी किसी से पूछा नहीं, क्योंकि मेरा फैमिली वहाँ रहता ही है। तो हमारे समीर भाई के कुछ रिलेटिव रहते हैं, तो उसने बतलाया कि आज कुछ कुछ जगह पे मार्केट बंद है और कुछ कुछ खुला हुआ है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, जनरली संडे बंद और बाकी दिन खुला। तो कुछ कुछ जगह ऐसा है कि संडे ओपन रहता है, और जैसे कि है ट्यूजडे हैं, वेडनेसडे हैं, थर्सडे हैं, फ्राइडे, ये बाकी दिन सब बंद करके रखे हुए हैं। जहाँ जहाँ जिस एरिया में जैसा जैसा खुला है, वहाँ के जितने भी कार्यकर्तागण हैं उन लोग डिसाइड करते हैं कि कब बंद करना है। वैसे तो सब जगह का दुकान अलग अलग टाइम में बंद रहता ही है। हमारा दुर्ग भिलाई का सब अलग अलग जगह, जैसे कि सुपला है आपका ट्यूजडे को रहता है, आपका पावर हाउस मार्केट है आपका मंडे को रहता है, और दुर्ग मार्केट संडे को बंद रहता है। मेन मेन जो दुकान है वो सब अलग अलग डे को खुलते हैं और अलग अलग दिन बंद रहता है। तो चलिए आप लोग को मैं लेकर चलता हूँ बालोद। आप लोग देखिए खूबसूरत का नज़ारा, सच में बहुत ही अच्छा जगह है। ये सांकरा गांव है, तो मैं सांकरा होते हुए ही आया था, तो मैं सांकरा होते हुए आप लोग को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि शॉर्टकट जाने का रास्ता और कहीं से है। मैं जाना चाहता था उस तरफ से, लेकिन नहीं जा पाया, क्योंकि उस तरफ का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अपन इस रास्ते से निकलते हैं और झलमला होते हुए भी आप लोग को मैं लेकर जाने वाला हूँ। तो इस साइड देखिए ट्रक अभी खड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं। अभी हम लोग कुछ देर में झलमला पहुँचने ही वाले हैं। तो फाइनली अपन पहुँच गए झलमला। देख सकते हो चौक में कुछ कुछ दुकान ओपन है और कुछ कुछ दुकान बंद है। और ये रहा सामने में आपका जो नहर टांगला डैम से होते हुए अपना भिलाई के लिए गया है। तो मैं इस रास्ते पे आ गया हूँ, बालोद वाले रास्ते पर। तो इस तरफ देखिए मार्केट तो ओपन नज़र नहीं आ रहा है, कुछ कुछ दुकान ओपन है कुछ बंद है। और सामने में आने वाला है आपका एक छोटा सा नदी आने वाला है, नदी का नाम नहीं पता, शायद ये हो सकता है टांडुला डैम ही हो, बट मैं कंफर्म आप लोग को नहीं कह सकता। अगर आप लोग को पता होगा तो ज़रूर बतलाना। तो सामने में एक मंदिर नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा ही है, छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये है वो नदी जिस नदी के बारे में आप लोग को बतला रहा था, ये रहा नदी। अभी थोड़ा पानी कम है इस तरफ। तो फाइनली हम लोग बालोद एंट्री कर लिए हैं, यहाँ से हो रहा है स्टार्ट। तो सच में आज बालोद बंद नज़र आ रहा है। अब हम लोग को नहीं पता था कि आज बालोद बंद है करके। देखिए इस तरफ शोरूम भी है और ये रहा बालोद। चलिए फिर भी हो सके आप लोग को जितना हो सके मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ जहाँ जहाँ हम लोग जा सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं है हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, बस निकल गए हैं आप लोग को बालोद सिटी दिखलाने के लिए।
अगर मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलता है तो आप लोग को पूरा मार्केट दिखाने वाला हूँ बालो द सिटी का। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अभी तो जितना हो सके मैं इस एरिया को दिखलाने वाला हूँ। अगर जो भाई बालोद के रहने वाले हैं अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करना कि हमारे बालोद में क्या क्या है देखने के लिए। वैसे तो हमको जनरली पता ही है कि सिया देवी है और आपका वाटरफॉल है, आपका भोला पठार है, आपका तांदुला डैम है, ये सब चीज़ें पता ही है। लेकिन कुछ कुछ जगह है जो हम लोग को नहीं पता है। अगर आप लोग बालोद के रहने वाले हो अगर मेरे वीडियो को ज़रूर देख रहे हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बतलाना कि यहाँ हम लोग आ सकते हैं। तो ये रहा पूरा बालोद सिटी। काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है बालोद पहले की अपेक्षा। पहले जब ये दुर्ग जिला में आता था तो मार्केट ज़्यादा नहीं था, कम ही था। जितने भी काम होते थे सब दुर्ग आते थे, कोर्ट कचहरी से लेके फिर अपना सरकारी जो भी काम है उनके लिए सब यहाँ आया करते थे। ये चौक है मार्केट जाने के लिए, राइट साइड में आप मार्केट भी जा सकते हैं। तो अपन राइट मुड़ गया सामने वाले से, चलिए अपन चलते हैं इस साइड का एरिया देख लेते हैं। और इस साइड अभी क्या है मुझे ये भी नहीं पता है, बस निकल गए हैं हम लोग चारों के चारों। तो देखिए फॉलोवर के दुकान तो खुले हुए हैं अभी इस साइड। इधर एटीएम और इस साइड देखिए बंद है दुकान वगैरह। तो सॉरी दोस्तों, मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगा, मार्केट तो बंद नज़र आ रहा है। और ये देखिए सामने में है घड़ी, मस्त चौक में बना हुआ है। ये इस साइड तो खुला हुआ है, होटल वगैरह तो खुला नज़र आ रहा है इस साइड। हाँ फॉल वगैरह की दुकान खुला है, बाकी सब बंद नज़र आ रहा है। इस साइड भी देखिए भुट्टे बेच रहे हैं। इस साल तो लॉकडाउन की वजह से अच्छे से घूमना नहीं हो पा रहा था। फॉल वगैरह के दुकान ज़्यादातर दिख रहे हैं, बाकी जो होटल वगैरह है या मेन मेन जो बड़े बड़े दुकान है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो ये है न्यायालय, न्यायालय तो ओपन नज़र आ रहा है। यहाँ पर गाड़ी वगैरह भी सब खड़े हुए हैं। इधर फोटोकॉपी भी शॉप खुले हुए हैं। तो सरकारी ऑफिस जहाँ खुला हुआ है उसके आसपास में फोटोकॉपी वगैरह शॉप तो खुले हुए हैं, बाकी इस साइड बैंक वगैरह भी खुला हुआ है, बैंक तो खुला ही है। तो अपन चलते हैं मार्केट की तरफ। वैसे तो मुझे मार्केट इस तरफ का एरिया का नाम मुझे नहीं पता है, आया हूँ 2-3 बार लेकिन मार्केट एरिया ज़्यादा नहीं घूम पाया हूँ। आता था अपने काम से बस और चला जाता था। अगर आप लोग बालोद के रहने वाले हो या आसपास के रहने वाले हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कौन सा एरिया है ना खूबसूरत। ये अंदर वाला जो रास्ता है, मेन जो रास्ता है आगे आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ, जो दुर्गा से आपका झलमला, झलमला से आपका उधर जो मेन रास्ता जाता है उस साइड के एरिया में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। ये रहा इस तरफ का मार्केट, ये पूरा मार्केट एरिया है। चलिए अपन लेते हैं राइट। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, इधर अच्छे खासे बिल्डिंग वगैरह भी बन गए हैं। पूरा कोई जगह कच्चा मकान नज़र ही नहीं आ रहा है, पूरे जितने भी दिख रहे हैं पूरा पक्का मकान। शॉप वगैरह तो सब अभी बंद है। मेरे जो दोस्त है समीर, उसका फैमिली यहाँ रहता है, उसने बताया कि आसो मार्केट बंद है करके। तो हम लोग सोचे कि आसपास का एरिया कवर करेंगे करके। तो चलो मार्केट होते हुए आप लोग को दिखा देता हूँ जो जो खुला होगा और जो देखने लायक होगा। तो ये रहा खूबसूरत सा नज़ारा, ये चौक, ये गंगा मैया बुक डिपो। फल वगैरह की दुकान भाई खुला हुआ है, बाकी जितने भी और शॉप वगैरह तो नहीं कह सकता, एरिया वाइज भी बंद किया होगा
जैसे कि अपने गांव वगैरह में, जैसे अपने भिलाई जिले में अलग अलग एरिया रहता है कि इस दिन बंद करना है, उस दिन खोलना, ऐसा सब डिसाइडेड रहता है। तो वैसे ही है इस तरफ का, देखिए मार्केट। तो अच्छा लग रहा है, बालोद भी सिटी काफ़ी बड़ा है। ये रहा इस तरफ चौक है पैरागॉन, तो एक मंदिर नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भी मंदिर है जय चंडी माँ, इस तरफ भी मंदिर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। कैसा लग रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बतलाना। फिर रिटर्न आ गए हैं उसी जगह पर, आगे चलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं। इस तरफ का दुकान तो खुला हुआ है, ये क्या है, ये मैदान है कोई, स्कूल वगैरह हो सकता है, मुझे नहीं पता। मार्केट एरिया, तो आप लोग भी आइएगा बालोद सिटी, अगर आप लोग नहीं आए तो। यहाँ पे बहुत सारे पिकनिक स्पॉट है घूमने के लिए। तो हम लोग भी कहाँ जा रहे हैं, अंदर अंदर पता नहीं चल पा रहा है। चलिए खाने के लिए रुकते हैं और इस साइड चलते हैं। इस साइड है क्या, इस साइड तो देखिए अभी कुछ काम वगैरह चल रहा है जो पेंडिंग में है। अच्छा ये है तालाब, मंदिर है इस साइड। अच्छा ये मंदिर है, मेरे ख्याल से शीतला मंदिर है, हाँ शीतला ही मंदिर लग रहा है बालोद का। वह चौपाटी जैसा बना हुआ है, तो यहाँ बैठने बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है। चलिए अपन आगे निकलते हैं। दुर्ग 58 किलोमीटर लिखा हुआ था, तो ये खूबसूरत सा चौक है। चलिए अपन चलते हैं। अच्छा ये वही रास्ता है जिस रास्ते के बारे में आप लोग को बतला रहा था, ये वाला जो रास्ता जा रहा है सीधा दल्ली राजरा के लिए। तो दल्ली राजरा मेरे ख्याल से यहाँ से लगभग बालोद से 20 से 25 किलोमीटर होना चाहिए। अगर आप लोग को पता होगा तो ज़रूर बतलाना कि कितना किलोमीटर है। और रोड तो अच्छा खासा बना हुआ है। इस तरफ मैं एक या दो बार आया हूँ, ज़्यादा दूर तक नहीं आया था, यही आसपास के एरिया में आया था मैं। तो बालोद सिटी आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाना। वैसे तो बालोद बहुत लोग आए होंगे और जो लोग नहीं आ पाए होंगे तो उन लोगों को मैं बालोद सिटी दिखला रहा हूँ। भी बना हुआ है तो देखिए इस तरफ खूबसूरत नज़ारा। दिल्ली राजरा भी और कभी जाएंगे, वैसे तो अभी टाइम हो गया है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिए। चलिए आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।